श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका मेरे चैनल संतवाणी में। आज हमारे परम पूजनीय प्रदीप मिश्रा जी की कथा का दूसरा दिन था पुणे महाराष्ट्र सांगवी में। तो आज की कथा में उन्होंने ये जो उपाय बताया है, ये उपाय है बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए और महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भी यह उपाय है। इस उपाय में 5 पत्ती 5 फूल का यह उपाय है और यदि यहाँ कोई व्रत नहीं भी करता है उसके लिए भी यह उपाय है। आप व्रत नहीं करते यहाँ उपाय करेंगे तो भी आपको फल की प्राप्ति होगी। धन्यवाद। आप हरतालिका तीज का व्रत नहीं भी करते हो, आप हरतालिका तीज का व्रत नहीं भी करते, चाहे आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो हो आप, हमें उससे मतलब नहीं। आप हो तो सनातनी ना। अगर आप शंकर जी का हरतालिका तीज का व्रत नहीं करते, कोई कहता हम सतुआ तीज करते, कोई कहता हम वाली तीज करते, कोई कहता हम हरियाली तीज करते, हमें उससे मतलब नहीं। हमारा निवेदन है आप कोई सी भी तीज करते हो, पर हरतालिका तीज के दिन किसी भी वृक्ष की, 5 वृक्ष की भी अगर पत्ती का स्पर्श या फूल आपने शंकर जी के मंदिर में या जहां पर फूलेरा बंधा है, जिस घर में हरतालिका तीज हो रही है वहां पर अगर समर्पित भी कर दिया तो वो सुख प्रदान करने वाला, आनंद देने वाला होता है। हरतालिका तीज का दर्शन अवश्य करें, भले आप व्रत करें ना करें। मेरा पुरुषों से भी निवेदन है, ये जरूरी नहीं कि ये लेडीजों का त्योहार, ना 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 ना, लेडीजों का त्योहार नहीं। हरतालिका तीज तो सबके लिए, बच्चों से लेकर बड़े तक के लिए। तुम जो कामना कर 5 फुलेरे का दर्शन करो, लिख कर रखना कि अगले साल वो तुमने पाया कि नहीं पाया, उसका सुख तुम्हें मिला कि नहीं मिला, उसका आनंद तुम्हें मिला कि नहीं, सुख प्राप्त हुआ। हरतालिका